संजय कुमार, यस सर। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ में सब आदिवासी लोग रहते हैं, वो गुड़ाखू और दातून करने वाले को क्या टूथपेस्ट बेचोगे यार तुम्हें? और वैसे भी हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पाते हो तुम लोग। चलो यार, अब आ गया है ना, पूछो 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 यार, पूछो पूछो। अच्छा तुम ये बताओ कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने कौवे हैं? सर 8,387। और अगर ज्यादा हुए तो मुंबई वाले छत्तीसगढ़ घूमने आ गए होंगे सर। और यदि कम हो गए तो सर छत्तीसगढ़ वाले मुंबई घूमने आ गए होंगे। लड़का काम का लगता है सर। अरे यार, तुम ये बताओ, तुम हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? सर आपकी कंपनी यानी पंचशील लिमिटेड, आपका सालाना टर्नओवर 300 करोड़ का है सर, जिसे आप लोग इस साल 450 करोड़ करना चाहते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विदेश से मिलने वाला एक बहुत बड़ा ऑर्डर आपके हाथ से निकल जाएगा सर। आपकी कंपनी अभी तक देश के 20 राज्यों में अपना व्यापार कर रही है और अब इसे बाकी के राज्यों में आप लोग शुरू करना चाहते हैं, और उन राज्यों में से छत्तीसगढ़ एक है जहां आप लोगों के हिसाब से लोग दातून और गुड़ाखू करते हैं सर। ये छत्तीसगढ़ का लड़का तो हम पे 36 पढ़ रहा सर। यदि आपको हमारी कंपनी का छत्तीसगढ़ का रीजनल मैनेजर बना दिया जाए तो आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर पाएंगे? सर आप छत्तीसगढ़ के टारगेट की बात कर रहे हैं सर, मैं तो आपकी कंपनी का ओवरऑल टारगेट 1.5 गुना कर दूंगा सर। बकवास, 1 महीने में 1.5 गुना? डोंट बी ओवर स्मार्ट माय बॉय। नो सर, आई एम नॉट। आप सर मुझे नौकरी की गारंटी दीजिए, मैं आपकी कंपनी को 1.5 गुना टर्नओवर पर लाकर खड़ा कर दूंगा सर। समझो तुमको नौकरी मिल गई। समझूं या मिल गई सर? अरे मिल गई यार, बताओ। सर लोगों की आदत होती है कि वो टूथब्रश पर पेस्ट शुरू से आखिर तक लगाते हैं, यूं आप भी ऐसी लगाते होंगे सर। अगर आपके टूथपेस्ट का छेद 1.5 गुना बड़ा कर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि टूथपेस्ट की खपत 1.5 गुना होगी, यानी जो टूथपेस्ट 30 दिनों तक चलता था वो 20 दिनों में खत्म हो जाएगा और आपका टर्नओवर 300 करोड़ से 450 करोड़ पर पहुंच जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो अगले महीने ही तुम्हारे प्रमोशन की गारंटी। थैंक यू सर। कमाल यार, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग भी होते हैं? नहीं सर, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं सर। सर आप कह रहे थे ना कि छत्तीसगढ़ के दातून करने वाले लोगों को ठीक से हिंदी भी नहीं आती, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ सर। हिंदी की पहली छायावाद की कविता मुकुटधर पांडे जी ने रायगढ़ में लिखी थी सर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और वो दातून करते थे सर। पेंड्रा रोड में माधवराव सप्रे ने हिंदी की पहली कहानी लिखी, वो भी छत्तीसगढ़ में है सर, और वो भी दातून करते थे सर। भगवान श्री राम का ननिहाल है सर छत्तीसगढ़ में, और रामायण का सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही लिखा गया सर, और भगवान राम भी दातून ही करते थे सर। 1857 की क्रांति से पहले छत्तीसगढ़ के आदिवासी शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया था सर, और वो भी दातून करते थे सर। महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु घोषित किया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 2.5 वर्ष छत्तीसगढ़ में रायपुर में बिताए थे सर, और वो भी दातून करते थे सर। छत्तीसगढ़ के चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ, और पांडुका में महर्षि महेश योगी जी का जन्म हुआ, वो भी दातून करते थे सर। दुनिया की पहली नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ियों में है सर, जिसे भरत मुनि जी ने बनवाया था, और वो भी दातून करते थे सर। और रायपुर के स्वर्गीय हबीब तनवीर के निर्देशन में छत्तीसगढ़ के नाचा और गम्मत के कलाकारों ने पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, और सर वो कलाकार भी दातून करते थे सर, दातून। अब और क्या क्या बताऊं सर आपको इन दातून करने वालों के बारे में। चलता हूं सर, पेस्ट भी तो बेचना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ सर। लगता है अब मेरे को भी दातून करना पड़ेगा। वीडियो वर्ल्ड रायपुर चैनल को सब्सक्राइब करिए, भूलिएगा नहीं, वीडियो वर्ल्ड रायपुर चैनल को सब्सक्राइब करिए।